हेलो दोस्तों, नमस्कार। इंडियन रेल मुसाफिर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की जो ट्रेन जानकारी है वो है सिकंदराबाद गोरखपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस के बारे में। ये जो ट्रेन है हफ्ते में एक दिन चलती है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलें, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों, आज की जो ट्रेन जानकारी है वो है सिकंदराबाद हैदराबाद से गोरखपुर उत्तर प्रदेश तक चलने वाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस के बारे में। इसका पूरा नाम है सिकंदराबाद गोरखपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस। इस ट्रेन का नंबर है 125/90। ये 32 घंटे में अपनी जर्नी जो है कवर करती है। इसके तकरीबन 31 स्टेशन हैं और 1823 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है। इसके एवरेज स्पीड जो है इस रूट पे वो है 57 किलोमीटर पर आवर। सिकंदराबाद जंक्शन से ये हर शुक्रवार को गोरखपुर के लिए रवाना होती है और ये सुपर फास्ट टाइप की ट्रेन है। इसे नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे जोन जो है ऑपरेट करता है और ये जो ट्रेन है 32 घंटे में अपनी जर्नी जो है कवर करती है। और इसमें ICF के नॉर्मल कोचेज जो है दिए गए हैं। अगर इसके टिकट किराए के बारे में बात की जाए तो मैं जो अभी आपको सिकंदराबाद गोरखपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस का टिकट किराया बताऊंगा वो सिकंदराबाद जंक्शन से गोरखपुर जंक्शन तक का होगा। बाकी आप अपडेटेड और सही किराया जो है रेलवे की वेबसाइट पे जाके जरूर चेक कर लें। सेकंड AC का जो किराया है वो है 2725 रुपये, जिसमें रिजर्वेशन चार्ज, बेस फेयर चार्ज, सुपरफास्ट चार्ज और GST चार्ज शामिल होता है। AC थर्ड टीयर का जो किराया है वो है 1870 रुपये, इसमें रिजर्वेशन चार्ज, बेस फेयर चार्ज, सुपरफास्ट चार्ज और GST चार्ज शामिल होता है। इसके अलावा इस ट्रेन में स्लीपर क्लास का भी कोच है। स्लीपर क्लास के कोच का जो किराया वो है 710 रुपये, इसमें सिर्फ रिजर्वेशन चार्ज, बेस फेयर चार्ज और सुपरफास्ट चार्ज शामिल होता है। इसमें कोई GST चार्ज नहीं जोड़ा जाता। इसके अलावा इस ट्रेन में जनरल अनरिजर्व डिब्बे भी हैं, जिसका किराया जो है लगभग 400 रुपये के करीब है। ये जो मैंने अभी आपको किराया बताया ये अपडेटेड और सही किराया नहीं है। सही किराया जानने के लिए आप रेलवे की वेबसाइट या टिकट काउंटर पर जाकर भी कन्फर्म कर सकते हैं। इसके अलावा सिकंदराबाद गोरखपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस में पेंट्री कार यानी कि रसोई यान कक्ष की फैसिलिटी भी साथ में है, जहां से आपको ट्रेन के अंदर ही फूड फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। ये फूड फैसिलिटी के लिए आपको एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने होते हैं टिकट के अलावा भी। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं सिकंदराबाद गोरखपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस के टाइम टेबल के बारे में। सिकंदराबाद गोरखपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस जो है सिकंदराबाद जंक्शन हैदराबाद से ये हर शुक्रवार को सुबह 7:20 पे 6 नंबर प्लेटफॉर्म से रवाना होती है और गोरखपुर तक इसके तकरीबन 31 स्टेशन हैं। उसके बाद सिकंदराबाद गोरखपुर एक्सप्रेस जो है वो अपने अगले स्टेशन काजीपेट जंक्शन में सुबह 9:14 पे पहुंचती है और 9:16 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है और 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ये ट्रेन जो है रुकती है और 132 किलोमीटर की यात्रा जो है ये सिकंदराबाद से काजीपेट तक कवर कर चुकी होती है। उसके बाद ये ट्रेन जो है रामागुंडम स्टेशन में पहुँचती है। रामागुंडम स्टेशन में ये सुबह 10:29 पे पहुंचती है और 10:30 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 1 मिनट का स्टॉप है, यहां पर ये 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके रुकती है। उसके बाद ये ट्रेन जो है मंचरियाल स्टेशन में पहुंचती है। मंचरियाल स्टेशन में ये ट्रेन जो है सुबह 11 बजे करीब पहुंचती है और 1 मिनट बाद 11 बजे ही वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 1 मिनट का स्टॉप है और 238 किलोमीटर की यात्रा जो है कवर कर चुकी होती है। बेलमपल्ली स्टेशन में ट्रेन जो है सुबह 11:40 के करीब पहुंचती है और 11:40 पे ही वहां से रवाना हो जाती है। यहां पर इसका 1 मिनट का स्टॉप है। यहां पर सिकंदराबाद गोरखपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस जो है 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके रुकती है। उसके बाद ये ट्रेन जो है तेलंगाना के आखिरी स्टेशन श्रीपुर कागज नगर में दोपहर के 12:06 पे पहुंचती है और 12:07 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 1 मिनट का स्टॉप है और 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ये ट्रेन जो है रुकती है। उसके बाद ये ट्रेन जो है बलहरशाह जंक्शन में पहुंचती है दोपहर के 1:20 पे, जो कि महाराष्ट्र का पहला स्टेशन है इस ट्रेन का, और 1:25 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 5 मिनट का स्टॉप है। यहां पर ये 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके रुकती है। चंद्रपुर स्टेशन में ये 1:44 पे दोपहर को पहुंचती है और 1:45 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 1 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद सिकंदराबाद गोरखपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस जो है वो अपने अगले स्टेशन हिगन घाट में दोपहर के 2:53 पे पहुंचती है और 2:55 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है अपने अगले स्टेशन सेवाग्राम जंक्शन में दोपहर के 3:33 पे पहुंचती है और 3:35 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है नागपुर जंक्शन में शाम के 5:05 पे पहुंचती है और 5:10 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 5 मिनट का स्टॉप है। पदूरना मध्य प्रदेश में ये ट्रेन जो है शाम के 6:24 पे पहुंचती है और 6:25 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 1 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है अमला जंक्शन में शाम के 7:30 पे पहुंचती है और 7:32 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है। बैतूल में ये ट्रेन जो है शाम के 7:40 के करीब पहुंचती है और 7:50
50 मिनट पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 1 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद सिकंदराबाद है गोरखपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस जो है वो घोड़ा डोंगरी स्टेशन में पहुंचती है रात के 8:30 पे और 8:29 पे पहुंचती है और 8:30 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 1 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये इटारसी जंक्शन में रात के 10:10 पे पहुंचती है और 10:20 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 10 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद सिकंदराबाद गोरखपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस जो है भोपाल जंक्शन में पहुंचती है रात के 12:01 पे और 12:05 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 4 मिनट का स्टॉप है। ललितपुर जंक्शन उत्तर प्रदेश में यह 3:03 पे रात को पहुंचती है और 3:05 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है झांसी जंक्शन में पहुंचती है। झांसी जंक्शन में ये ट्रेन जो है सुबह 4:18 पे पहुंचती है और 4:28 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 10 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है अपने अगले स्टेशन ओराई में सुबह 5:54 पे पहुंचती है और 5:56 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। पुखराया स्टेशन में ये सुबह 6:34 पे पहुंचती है और 6:35 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 1 मिनट का स्टॉप है। कानपुर सेंट्रल में ये ट्रेन जो है सुबह 8:15 पे पहुंचती है और 8:20 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉप है। यहाँ पर ये 6 या 7 नंबर प्लेटफॉर्म पे आकर रुकती है। उन्नाव जंक्शन में ये सुबह 8:42 पे पहुंचती है और 8:44 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। लखनऊ ऐशबाग स्टेशन में ये ट्रेन जो है सुबह 9:48 पे पहुंचती है और 10:03 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 15 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद सिकंदराबाद गोरखपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस जो है बादशाह नगर में सुबह 10:22 पे पहुंचती है और 10:23 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 1 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है बाराबंकी जंक्शन में पहुंचती है सुबह 11:03 पे और 11:05 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद सिकंदराबाद गोरखपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस जो है गोंडा जंक्शन में रात के 12:20 पे पहुंचती है और 12:25 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉप है। मनकापुर जंक्शन में ट्रेन जो है दोपहर के 2:50 पे पहुंचती है और 2:51 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर तकरीबन 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद सिकंदराबाद गोरखपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस जो है वो अपने अगले स्टेशन बस्ती स्टेशन में दोपहर के 1:44 पे पहुंचती है और 3 मिनट बाद 1:46 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 3 मिनट का स्टॉप है और 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ये ट्रेन जो है रुकती है। खलीलाबाद में ये ट्रेन जो है जो कि इसका सेकंड स्टेशन है खलीलाबाद में ये दोपहर के 2:10 पे पहुंचती है और 2:11 पे वहां से रवाना हो जाती है। यहां पर सिकंदराबाद गोरखपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस का 1 मिनट का स्टॉप है। यहां पर ये 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ये ट्रेन जो है रुकती है। उसके बाद सिकंदराबाद गोरखपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस जो है वो अपने आखिरी स्टेशन गोरखपुर जंक्शन उत्तर प्रदेश में दोपहर के 3:20 पे पहुंचती है और 7 या 9 नंबर प्लेटफॉर्म पे जाके अपनी यात्रा जो है समाप्त कर लेती है। यहां तक की जो टोटल जर्नी है ये 1824 किलोमीटर के करीब जो है कवर कर चुकी होती है। दोस्तों इसी के साथ ये ट्रेन की वीडियो जो है समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं, या अगर आप चाहते हैं कि आपकी कोई फेवरेट ट्रेन पे मैं वीडियो बनाऊं तो भी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। आपका दिन शुभ।